अस्सलामुअलैकुम जी, आज है बहुत स्पेशल दिन, आज है 21 रजब का दिन, मौला की न्याज का दिन और हमारी तैयारियां हैं मुकम्मल। हम जा रहे हैं ताया अब्बू के घर और ये है मेरी प्यारी प्यारी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथ। सबकी तैयारी हो गई है मुकम्मल और जी हम अब निकल रहे हैं। लाए औसत, ये ग्यावर हम है मंडी से, आज अच्छा लगा मुझे ये कबूतर तो मैं ले गया। अच्छा अच्छा, आप झूठ बोल रही है, आप सच बोल लो, कहाँ से मिला है? इस वाला घर गिरा हुआ था। खाम खा की एफिशिएंसी। ये हम पहुँच चुके हैं ताया अब्बू के घर और ये है हिना बाजी और हमाद भाई का कमरा, बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और ये है हमारे प्यारे ताया अब्बू, बहुत ही मोहब्बत के साथ खुद ही बैठ के इन्होंने पूरी न्याज को होस्ट किया और देखें उनके घर कितनी ही खुले दिल से खूबसूरत एक न्याज का अरेंजमेंट हुआ, जिसमें नान चने हलवा निहारी और मीठी टिकड़ियाँ सब कुछ लाइव बन के आ रहा था और बहुत ही हमने इसको एंजॉय किया, बहुत ही दुआएं दी। ये हमाद भाई हैं, ये इनका घर है। 22 रजब को कुंडे इसलिए पकते हैं कि 22 रजब से लेके 27 रजब तक सरकार अबू तालिब के घर में दावत ज़िलशीरा हुई थी और आखिरी दिन में ऐलान नबूवत हुआ था। जिस जिसको खातमुल अंबिया की नबूवत के ऐलान की खुशी है वो कुंडे पकाता है। की आल के सदके में ही इस दुनिया का सारा नमक और पानी चल रहा है, तो उनके सदके में ही हम भी खा रहे हैं। ये हमारे प्यारे केयरिंग अली मामू और ये इनके दो, ये आप देख रहे हैं शाहजैन है, इनके दो चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, अब आप यूट्यूब पे ढूंढने के वो दो चैनल कौन से हैं। हेलो मीसा, माशाल्लाह से बहुत ही ये इंटेलिजेंट और नाइस बच्चे हैं। ये है हमारी न्याज की दूसरी शिफ्ट जो कि लगी अमरीन बाजी और हैदर भाई के आने के बाद, हमने दोबारा से न्याज खाई नाजरीन। और इनके आने से लगी बहुत ज्यादा रौनक। ये है हमारे बड़े भाई हैदर भाई अर्तुगरुल गाजी। इमाम मनस्तो मनम गुलाम देखें जी, आपको बाहर से पहले बाहर के रंग दिखा रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे अहले बैत की खुशियों के दिन हैं, तो जैसे हम लोग शिया मुहर्रम मनाते हैं उनका गम मनाते हैं, उसी तरह हम उनकी खुशियों में खुश होते हैं और उनकी खुशियों में खुशियां मनाते हैं, हर तरह के कपड़े पहनते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छी न्याज थी हिना बाजी और बहुत ही अच्छी न्याज इन्होंने की, माशाल्लाह से इनका हेयर स्टाइल देखें आप, 90s की हीरोइन की तरह बहुत ही हसीन इंस्पायरिंग। मौला इनके कबूल करें। ये अतिया बाजी हैं, ये दुबई से आई हैं, ये सब दुबई से आके इन्होंने होस्ट किया, अपने घर की न्याज को नहीं छोड़ते, ये न्याज को जो एक बार कुंडे की न्याज को मुझे पता है इसमें कमेंट आएंगे। बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह, दुपट्टा भी दिखाए ना। सबकी तैयारी देखें, ये हमारी अम्मी हैं, ये भाभी हैं, सब ने मौला की खुशी में कैसे कैसे रंग पहने हुए हैं खूबसूरत। बीबियों की खुशियों में हम खुश हैं, बीबियों के गम में हम गमगीन हैं। बहुत बड़ी नेमत है अहले बैत का प्यार। जरूर चाहिए
अली अली हाँ अली अली करना जरूर चाहिदा छबनों दसना जरूर चाहिदा अली अली करना जरूर चाहिदा। तो देखा आपने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े अदब से न्याज खा रहे हैं, मौला की खुशियों में खुश होने का हम दर्स देते हैं और गम में गमगीन होने का। हम फिर जवाद अंकल के घर गए, उनके घर एक खूबसूरत इमाम बार गया। वो मौला के सारे इवेंट्स को बहुत ही दिल से और खलूस से मनाते हैं और लोगों को बहुत ही दावत देते हैं। उनके घरों में नोआ खानी और सोज खानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, उनके अपने ही घर वाले पढ़ते हैं। अब देखेंगे इन्होंने कितनी खूबसूरत दरगाह सजाई हुई है और इनकी न्याज मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। देखें इन्होंने किए हुए थे चने, हलवा, पूड़ी, खीर और इतना खूबसूरत इन्होंने देखिए दस्तरखान सजाया हुआ था और हमें बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बिठा के उन्होंने खिलाई है। कि चीज़ इनके तो दही बल्ले भई कमाल 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 के थे, हमने और कुछ भी नहीं खाया मगर हमने दही बल्ले नहीं छोड़े। हम माशाल्लाह दही बल्ले खा खा के हमें मज़ा आ गया नाज़रीन, इतने कमाल के। और जो इमली की चटनी थी ना 100 out of 100, इनकी खीर बहुत मज़े की थी। ये देखें जो किस जिसे खीर कहते हैं अच्छी वाली खीर, माशाल्लाह मौला कबूल करें इनके खलूस को। ये हलवा देखें, मौला गाजी का हाजिरी का हलवा है। मौला हर किसी की दिली हाजात को पूरा करें। फिर हम रात में आए, हमने भी 14-14 टिकड़ियाँ बनाई क्योंकि हमारी असल न्याज तो होगी 26 रजब को, मगर हम इस दिन को भी नहीं वो करते, हम इस दिन को भी अपना आटा गूंथते हैं और 14-14 टिकड़ियाँ बनाते हैं और अपने इमाम बारगाह में बैठ के हम इस पर सुबह के वक्त मौज़ा पढ़ते हैं। और देखें जी ये मेरे बाबा के घर से भी आज न्याज बन रही थी तो वहाँ से उन्होंने भी मुझे न्याज भेजी, बीफ पुलाव, टिकड़े, खीर, हलवा। अल्लाह शादो आबाद रखे मौला अली के चाहने वालों को और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। रस्ता बनेगा अली अली अली, रब खैर करेगा अली अली अली, खुद रस्ता बनेगा रब खैर करेगा। हम मौला मौला कहना जरूर चाहिदा अली अली।